सूर्यकांत मौर्य और वो साथ चल रहे हैं तो मानो ऐसा लग रहा है कि संजय पॉल को ओपनर भेजना है सिद्धिविनायक अंजूर। सिद्धिविनायक अंजूर आपको ओपनर भेजना है प्लीज। इस वक्त रानाल में 23 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया जा रहा है। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए नीलेश पाटिल एवं नीलेश पाटिल और उनके साथ किरण पाटिल। खेल की शुरुआत हो रही है। देखिए 20 मिनट में आपको ये इनिंग खत्म करना है और गेंदबाजी के लिए संजय ठाकरे सामना करेंगे उनका। सुकेश डाकी उप सरपंच अंजूर हमारे बीच में, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। निवेदन है कि आपको मंच पे आना है। नीलेश पाटिल सामना करने जा रहे, हालांकि जिस तरह की वो कैप पहनते वो कमांडो कैप कही जाती है। चौकोर सिक्सर की हैट्रिक लगाते हैं तो धर्मेंद्र जी तांगड़ी की तरफ से 500 रुपए दिए जाएंगे नीलेश पाटिल के लिए इनाम। खेल की शुरुआत। गेंदबाजी के लिए तैयार संजय ठाकरे। यस मजबूत काटी के सुकेत डाकी और विनायक हमारे शॉर्ट पॉकेट हमसे जुड़ते हुए। विनायक पाटिल शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट। ओ बढ़िया गेंद, पैर नहीं चले थे, पूरी तरह से बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। कमाल की गेंद की ठाकरे ने। विनायक पाटिल छोटा पॉकेट बड़ा धमाका और सुकेत डाकी माजी इस वक्त उप सरपंच अंजूर एवन जोड़ी शो देखना ना भूलिए, वो शो जिसका सभी को इंतजार। इस मरतबा बैकफुट पे गए, अपर कट किया है नीलेश पाटिल आउट शून्य पर। डीप कवर पॉइंट पे इस कैच को पकड़ा है, पहला झटका लगा है नीलेश पाटिल शून्य पे लौटते हुए और सिद्धिविनायक अंजूर नॉट फॉर वन। नॉट फॉर वन नीलेश पाटिल आउट होके जा रहे हैं। महाराष्ट्र की एवन जोड़ी नीलेश पाटिल और सुकेत डाकी का बिग शो देखना ना भूलिए। 22 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक और 2023 को उल्टा कीजिए, 32 बाइक और एक फोर व्हीलर, 23 में 32 बाइक यानी 9 कदम दुनिया से आगे। ये काम सिर्फ एवन जोड़ी ही कर सकती। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ चॉप किया। ये देखिए गेंद कहाँ गई उनको पता नहीं, बहुत अच्छा बैकअप किया था वहां पर नागेश ने रन पूरा करते हुए। विजय मात्रे सिद्धिविनायक अंजूर एक रन एक विकेट। इस मैच की टीम विजेता टीम सुपर एट में क्वालिफाई कर जाएंगी। नीलेश पाटिल ने 42,000 रुपए की हैट्रिक की थी केंद्रीय मंत्री चषक में। इस मरतबा फिर एज लगाए, क्या बोलिंग कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर, चढ़ में गेंदबाजी हो रही है लगातार। यॉर्कर्स वाइट का मिश्रण कर रहे हैं, 2 रन एक विकेट। नीलेश पाटिल शून्य पे आउट होके चले गए। सिद्धिविनायक अंजूर टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई।
राइट आर्म ओवर द स्टाम्प सारे ठाकरे। फिर अच्छी गेंद कट करने की कोशिश पूरी तरह से चूके, बहुत ही रफ्तार निकाल रहे हैं ठाकरे इस ओवर में। दो रन एक विकेट, टू फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। शुकेट डाकीर उप सरपंच है अंजूर के, विनायक पाटिल छोटा पॉकेट बड़ा धमाका और यहां पे मंकट विकेट। आउट नहीं दिया वहां पर अंपायर ने, लेकिन आईसीसी रूल के मुताबिक आपको कॉल देना जरूरी नहीं है, लेकिन इस स्पर्धा या 40 प्लस के रूल अलग रहते हैं। दो रन एक ही विकेट, शायद यहां कॉल देना जरूरी रहता है इस स्पर्धा के जो नियम है या न्यू 40 प्लस के जो नियम है। प्रकाश प्रताप सेठ पाटिल ने एक बीच शो दिया है और सबसे बड़ी बात है कि स्वर गंगा का जो लाइट अरेंजमेंट है वो लाजवाब है। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को मिड ऑन में, एक रन बना, दूसरे के लिए दौड़ना लगा दिए वहां पर और दो रन पूरे। इन दो रन से सिद्धि विनायक अंजूर का स्कोर चार पे पहुंचा है एक विकेट गंवाने के बाद, एक ओवर की समाप्ति के बाद। फील्डिंग तुरंत लगाना है जुन नांदूर की, फील्डिंग तुरंत लगाना है। चार रन एक विकेट, अब मध्य रात्रि के तो नहीं कहेंगे, उसके बाद के 2:32 हुए हैं। क्रिकेट का जुनून 40 प्लस क्रिकेट 2008 में आया और छा गया। नए गेंदबाज मोर्चे पे लगाए गए, प्रिंस शिकारी, अब देखना है कि कितने शिकार करते हैं बल्लेबाजों के या खुद शिकार हो जाते हैं। कहते हैं कि कभी कभी शिकारी खुद ही शिकार होके चला जाता है। अंपायर वार्निंग दे रहे हैं, खेल की शुरुआत पहली टाइमिंग की वार्निंग, शिकारी मुड़ते हुए। बहुत ही खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, पीछे खिलाड़ी है ऑन द राइस खेला, दूसरे के लिए निकल पड़े दो रन पूरे। टेढ़ा मेढ़ा भागते हुए अंदर आए क्रीज में, दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ छह पे पहुंचा। शॉट बहुत दिलकश था विजय मात्रे का, किरण का, कुल मिलाकर छह रन एक विकेट। प्रिंस शिकारी, अगर इनके पूरे नाम का अनुवाद करे तो शहजादों का शिकारी है। स्कोर है इस वक्त छह रन सिद्धि विनायक अंजूर। एज लगा है एक और विकेट, विकेट नंबर दो गिरता हुआ, चलते बने वहां पर किरण पाटिल। छह रन सिद्धि विनायक अंजूर दो विकेट। इस तरह की कंडीशन में वैसे भी 30 के ऊपर रन अगर बनाती है सिद्धि विनायक अंजूर तो मुकाबला कर सकती। नए बैट्समैन दयानंद मात्रे आए बल्लेबाजी के लिए। वीआईपी डाइस पे देर रात चाय का मजा लिया जा रहा है।
इस मरतबा गेंद को उछाल दिया और विकेट नंबर 3। दयानंद मात्रे आए भी और चले भी गए। हैट्रिक गेंद है, शिकारी वाकई में विकेटों के शिकार करते हुए प्रिंस शिकारी ने अब तक 2 विकेटें लिए। हैट्रिक गेंद है, लंबा शॉट खेला था, सिर आसमान में, गेंद आसमान में, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी की कोई गलती नहीं, आउट होके चले गए दयानंद मात्रे। नए बैट्समैन मनीलाल आए। मनीलाल मनेरा, मनीलाल को अब अंजूर का लाल बनना होगा बल्लेबाजी में। 3 विकेट गिरी, केवल 6 रन। हैट्रिक गेंद, शिकारी वाकई में विकेटों के शिकारी। इस मरतबा टर्न किया, फ्रंट फुट पे आकर ऑन साइड में 1 रन बना, दूसरे के लिए दौड़ लगा चुके हैं, मना किया, आना चलती हुई और आउट। यस, विकेट नंबर 4 गिरता हुआ, हैट्रिक तो नहीं हुआ है, 7 रन 4 विकेट। थोड़ी नाजुक स्थिति हम देख रहे हैं सिद्धिविनायक अंजूर की। सात रन और 4 विकेट गिरी। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आते हुए रविंद्र, वीआईपी डाइस पे इस वक्त उप सरपंच अंजूर, कार्य सम्राट, मजबूत इरादे, मजबूत काटी, शुकेट डाकी साहब हैं और साथ में छोटा पॉकेट बड़ा धमाका विनायक पाटिल, साथ में धर्मेंद्र तांगड़ी साहब और रमेश तरे जी, सभी का हार्दिक स्वागत है। 7 रन 4 विकेट, इस ओवर में अब तक 3 झटके लगे हैं अंजूर को। ओ, आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, देखना है क्या हुआ है, अंपायर कहां है। बहुत बढ़िया एफर्ट वहां पे रहा था विकेट कीपर का, स्टंप्स उखड़ गया था, अंपायर पॉल अब क्या निर्णय देते हैं ये देखना है। तीसरे अंपायर को पूछा है अंपायर पॉल ने और वहां सामने की स्क्रीन देखकर ही आपको डिसीजन देना है। ऑनफील्ड अंपायर, सामने की स्क्रीन देख के आपको डिसीजन देना है। विकेट कीपर एंड पे रन आउट की अपील, थोड़ा अल्ट्रा स्लो मोशन में आगे खींचा था, पूरी तरह से बीट हुए, बहुत दूर नजर आ रहे हैं, थ्रो लगता हुआ और जाना होगा बैट्समैन को। यस, इज आउट। 5वां झटका लगा है 7 पर। तू चल मैं आया, इस ओवर में अब तक 4 झटके लगे और कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने 1 गेंद बाकी है, 7 रन और 5 विकेट, 2 बैट्समैन रन आउट। ये स्टंपिंग का विकेट है, ये बॉलर के खाते में जाएगा क्योंकि बैट्समैन फ्रंट फुट पे खेलना चाहते थे। ऐसा लग रहा है कि 20 रन भी बनाना मुश्किल हो जाएगा जिस तरह बल्लेबाजी हो रही है सिद्धिविनायक अंजूर की। नए बैट्समैन अजीत पाटिल, अब अजीत पाटिल को बनना होगा कि सारा शहर मुझे लॉइन के नाम से जानता है। शेर दिल बल्लेबाजी करना होगी,
सात रन पांच विकेट, शिकारी का एक और शिकार होते होते बच गए। एक रन आया है, बल्ले के अंदर लगी है, दो ओवर की समाप्ति हुई है, रन बने आठ, विकेट गिरी है पांच सिद्धिविनायक अंजूर की। देखिए तुरंत ही फील्ड सजाएं प्लीज। दो बज के 40 मिनट बाद जाते हैं भारतीय समय के अनुसार, आठ रन पांच विकेट। गेंदबाजी के लिए गणेश भुईर को बुलाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन अजित पाटिल, नॉन स्ट्राइक पर हैं मनीलाल मनेरा एमएम। आठ रन पांच विकेट। गेंदबाजी के लिए गणेश भुईर, आपको गेंदबाजी की शुरुआत करना है गणेश। इस मरतबा अच्छी गेंद, बाएं हाथ के बैट्समैन है, कट होकर बाहर निकली डॉट गेंद। गणेश भुईर लेफ्ट आर्म राउंड ही स्टंप्स जाते हुए, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ड्राइव किया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ से, खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए और गेंद बाउंड्री के बाहर चार रन। इस चौके से सहारा मिलता हुआ सिद्धिविनायक स्कोर अंजूर के स्कोर को, कुल स्कोर 12 रन पांच विकेट, 12 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स सो फार। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स आ रहे हैं, इस मरतबा हुक कर दिया गेंद को, गेंद जारी फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चार रन। एकाएक करंट में आ गए बैट्समैन अजीत पाटिल और दो चौके जड़ दिए हैं, स्कोर को पहुंचा दिया है 16 पर। अब उम्मीदें बनती हुई यहां पर सिद्धिविनायक अंजूर के लिए, बहुत ही खूबसूरत शॉट। ये देखिए गेंद के लाइन से हट गए थे, बेहतरीन हुक शॉट, गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई चार रन। इस चौके की मदद से 16 रन पांच विकेटों के नुकसान पर ओवर नंबर 3 चलता हुआ। एक और धमाकेदार शॉट, लेकिन गेंद आसमान में खड़ी रह गई है, नहीं पहुंच पाए खिलाड़ी। दो रन और आते हुए स्कोर में 18 पे पहुंचा है स्कोर। अगर सिद्धिविनायक अंजूर 30 प्लस रन बनाती है तो उसके पास भी बॉलिंग बहुत अच्छी है। स्कोर है इस वक्त 18 रन। अच्छी वापसी, आम गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद अंदर आई डॉट गेंद। 18 रन पांच विकेट, ओवर नंबर 3 चल रहा है। विकेटें काफी गवाही है। फुल टॉस गेंद, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, फील्डर मौजूद है डीप में, जब तक उनका थ्रो पहुंचता दो रन बनाए बैट्समैन ने। तो ओवर समाप्त होते हुए 3 सिद्धिविनायक अंजूर ने बनाए 20 रन, विकेट गिरी है 5। अभी भी हमारे साथ कई दर्शक ग्राउंड में है और यूट्यूब पे अभी भी
55 लोग हैं जो शायद इस मैच को देख रहे हैं, उन्हें भी इस रिजल्ट की आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है गेंदबाज संजय पाटिल को। संजय पाटिल सामना करेंगे उनका बैट्समैन MM मनीलाल मनेरा। मनीलाल मनेरा सामना कर रहे हैं संजय पाटिल का। करनाल में इस वक्त 23 डिग्री सेल्सियस है तापमान। हालांकि हवा जो एक घंटा पहले चल रही थी वह हवा अब रुक चुकी है। संजय इस मरतबा निकाल दिया गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ थर्ड मैन बाउंड्री पर 4 रन। खरबूजे को देख के तरबूजे ने रंग बदल दिया। अब मनेरा ने शुरुआत की है, अब हम कह सकते हैं कि सिद्धिविनायक अंजूर खेल रही है। 24 रन 5 विकेट, इनिशियल 5 झटके लगे थे उसके बाद ये रन आते हुए। 8 रन पे 5 विकेट गिरे थे। ये देखिए किस तरह से मोटा सिरा लेकर गेंद चली गई थी। 24 रन 5 विकेट। इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, बढ़िया कैच, आउट हो गए बैट्समैन। हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा था शॉट, एक और विकेट गिरता हुआ। 24 रन 6 विकेट, आउट होके जा रहे हैं बैट्समैन मनीलाल मनेरा। हालांकि उतनी शॉर्ट टू गेंद नहीं थी जितना समझ बैठे थे मनेरा। चार गेंदे बची है और सिद्धिविनायक अंजूर की कैप्टन चाहेंगे कि कम से कम 6-7 रन आए ताकि गेंदबाजों के लिए मौके बन जाए। चौबीस रन 6 विकेटों के नुकसान पर समय में कॉपरेट करें प्लीज। उछाल दिया गेंद को, पीछे खिलाड़ी हैं, नहीं पहुंच पाएंगे लॉन्ग ऑन से। जब तक गेंद को आके उठाते 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। 2 रन से सिद्धिविनायक अंजूर का स्कोर 26 रन 6 विकेट। 3 गेंदे आनी बाकी है डेथ ओवर और फाइनल ओवर की। स्कोर है 26 रन 6 विकेट। इस बीच गेंद खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, प्रिंस शिकारी से शिकार छूटा हुआ। 2 रन बनाए बैट्समैन ने। 2 रन से 28 पे पहुंचा है स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर सिद्धिविनायक अंजूर। डेथ ओवर की कितनी गेंदे बची है नैनेश्वर? 2 गेंदे बची। एक और गेंद आसमान में खड़ी रह गई है, मुश्किल अवसर है और आखिरकार वही हुआ जिसका कहते हैं खतरा था।
एक रन आता हुआ 29 रन बने अंजूर के, 6 विकेट गिरी है, आखिरी गेंद आना बाकी है, फिर भी इस इनिंग को लगभग 23 मिनट लगे। उनतीस रन 6 विकेट, आखिरी गेंद, बढ़िया गेंद बीट किया वहां पर, ओवर समाप्त होते हुए पूरे 430 रन का लक्ष्य रखा है जून नांदुरकी के सामने सुपर एट में पहुंचने के लिए सिद्धिविनायक अंजूर ने। बने रही हमारे साथ, इनिंग ब्रेक्स के बाद हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हम यू गए यू आए, आप बने रहे हमारे साथ। खेल की शुरुआत होती हुई फिर स्वागत है आप सभी का, अध्यक्ष शशक रानाल में, प्रताप सेठ पाटिल और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से 30 का लक्ष्य रखा है जून नांदुरकी के सामने। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आ चुके हैं, आकाश पाटिल और गणेश शिकारी, जिन्होंने 3 शिकार अपने ओवर में किए थे, वो अलग है, वो प्रिंस शिकारी है, ये गणेश शिकारी है। गेंदबाजी में मोर्चे पे लगाया गया है इम्पोर्टेंट ओवर में संजय मनेरा को, संजय मनेरा। खेल की शुरुआत होती भी अब हवा हल्की सी चलती हुई मैदान के ऊपर, मनेरा मुड़ते हुए, गणेश आकाश पाटिल के लिए नॉन स्ट्राइक पर है गणेश शिकारी,
खेल शुरू करना है प्लीज। संजय मनेरा, अंपायर पहले ऑफसाइड में खड़े थे, अंपायर पॉल की चाल भी थोड़ी कमजोर हो गई है। पहली गेंद हवा में स्ट्रोक, ओ छूट गया कैच। इस तरह के स्कोर में इस तरह का कैच लेना बहुत ही आवश्यक होता है। छूट गया पहली गेंद पे कैच, बच गए वहां पर आकाश पाटिल। आकाश पाटिल ने आकाश में खेला था, प्रकाश पाटिल ने, जबकि फ्लड लाइट का प्रकाश इस वक्त मैदान पे साफ सुथरा पड़ता हुआ। इस मरतबा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बल्ले का मुंह खोला, खराब फील्डिंग हो रही है, पीछे गेंद सरक रही है, तीसरे के लिए भागम भाग मची है और तीन रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन तीन रन से स्कोर आगे सरकता हुआ चार पे पहुंचा है। सिद्धि विनायक अंजूर अगर ऐसी फील्डिंग करेंगी तो फिर आज के बाद कल इस मुकाबले में नहीं रहेंगी। जुन नांदुरकी ने पहले गेंदबाजी बहुत अच्छी की, रन बने चार बिना किसी विकेट के। आज देखना है कि आज की सुबह, आज की सुबह किसके नाम रहती है, अच्छी सकाल। स्विंग कर दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, चार रन। इस चौकी की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जुन नांदुरकी का आठ पे पहुंचा है। पावर प्ले का अच्छा लाभ उठा रहे हैं बैट्समैन प्रकाश पाटिल। बावीस रन और चाहिए सुपर एट में पहुंचने के लिए जुन नांदुरकी को। आज बल्लेबाजी का बहुत ही फ्लॉप शो रहा सिद्धि विनायक अंजूर का। टॉप के पांच बैट्समैन केवल आठ रन पे आउट हुए। संजय मनेरा साइड आर्म गेंद, बैक फुट पे गए, कट किया पॉइंट पे खिलाड़ी, एक रन। नौ पे पहुंचा स्कोर, जो आस्किंग रन रेट था वो 7.50 था, अब थोड़ा नीचे आता हुआ। नौ रन बिना किसी विकेट के और वो भी चार गेंदों पर। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, पीछे खिलाड़ी है, बढ़िया फील्डिंग, एक रन आता हुआ स्कोर में। ये देखिए नीलेश पाटिल से चूक हुई, दो रन पूरे। ये समय भी ऐसा रहता है कब आपकी आंख लग जाए मैदान में, 11 रन बिना किसी विकेट के, वन शॉट, यस 10 रन, ये आंख लगी थी क्योंकि लाइन सही नजर नहीं आई बल्लेबाजों को, अंदर बल्ला स्लाइड करने में भूल गए। अंपायर पॉल को देखिए, ऐसा लग रहा है इस मरतबा बढ़िया वापसी, गेंद विकेट के ऊपर से चली गई विकेट कीपर के पास। एक गेंद अभी भी बची इस ओवर में, स्कोर है 10 रन, 10 विदाउट लॉस। इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक, ऑन ड्राइव करते हुए एक रन डीप वाइडिश मिडॉन में। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 11, तीन ओवर में यहां से जीतने के लिए रन चाहिए 19, 18 गेंदे 19 रन, 10 के 10 विकेट हाथ में।
खेल की शुरुआत होती हुई तीन ओवर में 19 रन चाहिए। गेंदबाजी में बुलाया गया रविंद्र मडवी को, उनका सामना करेंगे बैट्समैन गणेश शिकारी। नीलेश पाटिल फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली कर रहे हैं, उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट को काफी पीछे भेजा है क्योंकि नॉन पावर प्ले ओवर चल रहा है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन थी वो अब पूरी तरह से खुल गई है। रविंद्र मडवी आगे बढ़कर बहुत ही खूबसूरत ड्राइव डीप एक्स्ट्रा कवर में, खिलाड़ी दूर से थ्रो पहुंचा ले पहुंच गए, थ्रो तीन टप्पे में आया था इसलिए बैट्समैन क्रीज में पहुंच गए। दो रन से स्कोर 13 पे पहुंचा है, 13 विदाउट लॉस। तेरह रन बिना किसी विकेट के। फिर आज फ्रंट फुट पे आकर केवल टर्न कर दिया था ऑन साइड में और यहां पर आप जाकर आउट नहीं किया, वहां एक रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14। रविंद्र मडवी सामना करेंगे बैट्समैन प्रकाश पाटिल। फुल टॉस गेंद, स्क्वायर ड्राइव किया है, गेंद पीछे सड़क रही है, खराब फील्डिंग, 1-2 का 4, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। सर पे हाथ रख दिया उस खिलाड़ी ने, सांप गुजर गया और लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है, एक बार अगर दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बनता है। चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पे पहुंचा है। विनायक पाटिल बहुत जज्बाती हो रहे हैं, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका, स्कोर है 18 रन बिना किसी विकेट के। अच्छा ड्राइव हवा में जरूर है, एक रन बना है, दूसरे के लिए जा रहे हैं, 2 रन पूरे। अब सिद्धि विनायक अंजूर की कठिनाइयां बढ़ती हुई, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन, केवल 10 रन चाहिए जबकि 15 गेंदे बची, 14 गेंदे बची। यहां से विकेटें लेकर ही दबाव बढ़ाया जा सकता है अथवा ये मैच हाथ से निकलता हुआ। फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया है और गेंद गैप में क्या फील्डिंग है, गजब की फील्डिंग। आखिरकार 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन, इन 2 रन से ये देखिए बहुत अच्छा एफर्ट था, वहां पर देखना चाहेंगे हम, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 पे पहुंचा है, 22। बहुत ही खूबसूरत खेला है, टर्निंग विद द कॉर्नर, ग्लांस कर दिया, 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अब, और कुल मिलाकर स्कोर 26 और सुकेत डाकी को मैच का रिजल्ट का पता चल गया। हमसे विदा लेते हुए छोटा पॉकेट बड़ा धमाका, विनायक पाटिल भी विदा लेते हुए, क्योंकि यहां से 2 ओवर में 4 रन बचाना जुए शेर लाने के बराबर है। मरता क्या ना करता गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद हल्के हाथों से गेंद को मोड़ दिया, रन लेना चाहते थे मना किया, 11 गेंदों में 4 रन चाहिए।
आए मिस्टर मिस्टो के कोई खिलाड़ी नहीं है, एक रन आता हुआ स्कोर में। अब 10 गेंदों में केवल 3 रन चाहिए। हालांकि दयानंद मात्रे लगभग लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं। यह अच्छी गेंद, गेंद को खेल दिया उन्होंने, एक रन बना दूसरे के लिए जा रहे हैं, कोशिश बढ़िया और तीसरा रन नहीं बनाया वहां पर। दयानंद मात्रे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेग ब्रेक, हालांकि इस तरह की गेंदबाजी इनिशियल ओवर में बहुत इफेक्टिव रहती। दयानंद मात्रे एक रन चाहिए। ओ गुगली क्या गेंद की है, बैट्समैन के कान के पास से जाती हुई, पूछ लिया बैट्समैन को, दिसला का भाई दिसला, कहां गेंद दिखी थी, कमाल की गेंद। ये देखिए रिप्ले में, इस मरतबा लेग ब्रेक वाइट, इस मैच को जीत लिया जुन्ना दुर्की ने, टॉप 8 में पहुंच चुकी। अभिनंदन हार्डलक सिद्धि विनायक अंजूर हार्डलक दयानंद मात्रे हार्डलक नीलेश, मैन ऑफ द मैच प्रिंस शिकारी, जिन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेटों का शिकार किया। आपको जल्दी आना है प्रिंस शिकारी, प्रिंस दावत है बाबा, प्रिंस शिकारी इज द मैन ऑफ द मैच। कल कौन बनेगा विजेता, आज मुझे मौका दिया रमेश।